जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर, और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वाहे गुरु जी रा खालसा, वाहे गुरु जी री फतेह, सत श्री अकाल, वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट आ जाइएगा दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 इतिहास और चैप्टर नंबर रहने वाला है 2, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। और इसके हम देखने वाले हैं 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ब्लू प्रिंट के अनुसार मैं करवा रहा हूं, अभी आपको चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू टाइप के जो ऑब्जेक्टिव जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो करवा रहा हूं, ठीक है। फिर बाद में द्विगु उत्तरात्मक, लघु उत्तरात्मक, निबंधात्मक सब प्रश्न चैप्टर वाइज में करवा दूंगा, ठीक है। अभी आप हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहना दोस्तों। और आप सभी को पता होगा मॉर्निंग में चलती है हमारी क्लास हिस्ट्री की, इतिहास की, 7:30 बजे। तो सभी को ज्यादा ज्यादा संख्या में जुड़ना है, और जिनकी भी अभी तैयारी बिल्कुल भी डाउन चल रही है वो आज ही हमारे साथ जुड़े दोस्तों। और पहला चैप्टर जिन्होंने नहीं दिया है टेस्ट तो जरूर दीजिएगा, उसमें पहले चैप्टर एटीएम के तहत हमने कल देखा था, और आज हमारा दूसरा चैप्टर इतिहास का राजा, किसान और नगर। और हां दोस्तों, शाम को भी चलती है हमारी क्लास पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, उसको भी आप अटेंड किया करें, वो शाम को 7 बजे चलती है, ठीक है। चलो तो बिल्कुल एक बार सभी शेयर कर देंगे दोस्तों, और मैं सब आपके लिए ही कर रहा हूं, तो आप सभी लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, सभी लाइक कर दीजिएगा। चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर, ये अपना चैप्टर है, दूसरा चैप्टर। चैप्टर का नाम राजा, किसान और नगर है, और इसके मैं 30 आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं, 30 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बताने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। ये 30 एमसीक्यू आपके कितने राइट होते हैं इनमें से मुझे कमेंट बॉक्स में आप सभी जरूर बताएंगे। अभी एक क्वेश्चन आपको मैं पूछूंगा, ठीक है। चलो तो देखिएगा, ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन जिसमें पूछा है कि अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं, अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, अगर आप सीरीज या नोट्स खरीदना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है 8955661301, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं। अगर आपको नोट्स या फिर सीरीज चाहिए तो मैसेज कर देना, नोट्स आपको व्हाट्सएप पर मिलेंगे, पीडीपी रूप में मिलेंगे, और नोट्स की प्राइस है 50 रुपए। अगर आपको सीरीज चाहिए तो सीरीज आपको 30 रुपए में मिल जाएगी, ठीक है, 30 रुपए में। तो अगर आपको चाहिए तो मैसेज कर देना मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ओके। चलो तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या पूछा है, अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं दोस्तों, अभिलेख शास्त्र बताओ जल्दी से। अभिलेखों के अध्ययन को, खुदाई में मिले अवशेषों को, पुरातत्व स्रोतों को, या इनमें से कोई नहीं। आप सभी जल्दी से आंसर बताइएगा दोस्तों, पुष्पराज अब अच्छे से याद करेगा दोस्तों, जल्दी से आंसर करिएगा, अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, अभिलेख शास्त्र कहते हैं। आप सभी याद रखना दोस्तों, भूलना मत दोस्तों, भूलना मत, याद रखना। प्रश्न पूछा जा सकता है अभिलेख किसे कहते हैं, अभिलेख मुझे कमेंट बॉक्स में मत बताओ दोस्तों, अभिलेख किसे कहते हैं, क्यों मत बताओ, क्योंकि बड़ा है आप लिखने में प्रॉब्लम होगी। अभिलेख किसे कहते हैं, याद रखना, पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तन पर खुदे हुए लेख, जो खुदा हुआ लेख होता है, ठीक है, खुदे हुए लेख को क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं, खुदे हुए लेख को। मिट्टी पर, मिट्टी, पत्थर, धातु, इन पर खुदे हुए लेख को क्या कहते हैं, अभिलेख कहा जाता है। और इन अभिलेखों का अध्ययन करना, इन अभिलेखों का क्या करना, अध्ययन करना क्या कहलाएगा प्यारे मित्रों, अभिलेख शास्त्र। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पर राइट हो जाएगा दोस्तों, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, अभिलेख शास्त्र कहते हैं। और भारत में सर्वप्रथम जो अभिलेख हैं किसने लिखवाए थे दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम अभिलेख बताओ कमेंट बॉक्स में दोस्तों, भारत में, इंडिया में, भारत में सर्वप्रथम जो अभिलेख है वो किसने लिखवाए थे, अशोक ने लिखवाए थे, अशोक ने। और ये अशोक कौन था, ये मौर्य वंश का सबसे महान शासक था दोस्तों, मौर्य वंश का महान शासक था। मौर्य वंश में 3 मेन शासक होते दोस्तों, जिसमें मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य को टबरियो बिंदुसार, और बिंदुसार को टबरियो अशोक। याद रखना, मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, और मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है अशोक, याद रखना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ अभी दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा है कि जेम्स प्रिंसेप ने किन लिपियों का अर्थ निकाला था दोस्तों। देखिएगा, ब्राह्मी और ग्रीक, क्रोष्टी और बाली, ब्राह्मी और क्रोष्टी, इनमें से कोई नहीं। तो बता दीजिएगा आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। जेम्स प्रिंसेप ने किन लिपियों का अर्थ निकाला था दोस्तों, सबने पत्तो दोस्तों, सबने बेरो है दोस्तों, याद रखना, ब्राह्मी और क्रोष्टी लिपि, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप, ये जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, एक अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा था दोस्तों, याद रखना। प्रश्न पूछा जा सकता है जेम्स प्रिंसेप कौन था, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था, ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था, ये अधिकारी था, अधिकारी, ठीक है, अधिकारी था ईस्ट इंडिया कंपनी का। और इन्होंने ही सर्वप्रथम दोस्तों ब्राह्मी और क्रोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था, कब निकाला था, 1830 के दशक में, 1830 के दशक में ब्राह्मी और क्रोष्टी लिपि का अर्थ किसने निकाला था, जेम्स प्रिंसेप ने निकाला था। एक्चुअल रियल डेट देखिए दोस्तों तो 1838 में, क्योंकि 1830 के दशक का मतलब हो गया 1830 और 1840 के बीच का जो टाइम पीरियड है, ये जो है 1830 के दशक में माना जाता है। 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था दोस्तों, और अशोक के अभिलेख जो है ब्राह्मी और
खरुष्ट लिपि में लिखे गए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखेगा, तीसरा क्वेश्चन, ब्राह्मी और खरुष्ट लिपियों का अर्थ कब निकला गया? अब पूछा दोस्तों, अब आप खुद दो, मैंने बता दिया, अभी तो बताया था दोस्तों, बताइएगा 1820 के दशक, 1830 के दशक, 1840 के दशक, 1850 के दशक, पता चल गया होगा दोस्तों। याद रखना है ब्राह्मी और खरुष्ट लिपि का अर्थ, ब्राह्मी और खरुष्ट लिपि का अर्थ कब निकाला गया, तो सबको पता होगा 1830 के दशक। मैंने बताया 1830 के दशक का मतलब हो गया 1830 और 1840 के बीच के समय यानी 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरुष्ट लिपि का अर्थ निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स प्रिंसेप कौन था? देखिएगा दोस्तों, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं, वही क्वेश्चन यहां पर आ रहे दोस्तों, इसलिए ध्यान पूर्वक सुने दोस्तों, कानों को खोला जाए, कृपया याद रखिए, ध्यान दीजिएगा, कानों को खोला जाए पकड़ पकड़ के दोस्तों अच्छे से। देखिएगा जेम्स प्रिंसेप कौन था? ये चिकित्सक था, ये मानचित्रकार था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था, या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल दोस्तों, क्वेश्चन को देखते आपको पता चल गया होगा, ये कौन थे जेम्स प्रिंसेप? ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, जिन्होंने मानचित्र के रूप में प्रसिद्धि हासिल भी की थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर सी जो है वो राइट हो जाएगा, और यही जेम्स प्रिंसेप हैं जिन्होंने 1838 में ब्राह्मी और खरुष्ट लिपि का अर्थ निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है दोस्तों, देखिएगा पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, धुआंधार धुआंधार तरीके से बता रहा हूं दोस्तों आप सभी को, देखिएगा क्या क्वेश्चन है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार खालिस्तान सबसे प्रसिद्ध शासक था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। अब दोस्तों, अब क्या करूं दोस्तों, क्या बताऊं थाने दोस्तों, मैंने जो बोले, जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताई, वही क्वेश्चन यहां पर आई दोस्तों, आप देख सकते हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सबसे प्रसिद्ध शासक, कहने का मतलब है प्रसिद्ध को मतलब है कि शक्तिशाली ताकतवर, कौन सा शासक है? अशोक। देखिएगा दोस्तों, वही अशोक, अशोक, अशोक दोस्तों, अशोक, इसका सी यहां पर राइट हो जाएगा, अशोक, ठीक है। सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रसिद्ध शासक है अशोक, और यह भी दोस्तों बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। याद रखना है अशोक कौन था, तो अशोक मौर्य वंश का, मौर्य वंश का सबसे महान शासक था। मौर्य वंश में आपको पता होगा, मौर्य वंश में तीन शासक हुए, जिसमें सबसे पहले बात करें, अगर आपको पूछा जाए कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य को टबरियो कौन? बिंदुसार, ठीक है, याद रखना बिंदुसार, और बिंदुसार को टबरियो अशोक। तो अगर पूछा जाए कि महान शासक कौन सा है, महान शासक, शक्तिशाली प्रतापी शासक है आपका अशोक, और इसी के समय 261 ईसा पूर्व में आपको पता होगा कलिंग का युद्ध हुआ था, अशोक ने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी थी उसमें, क्योंकि एक लाख से अधिक लोग मारे गए थे इसीलिए। चलो दोस्तों, अब बात करो आगे, देखेगा अगला क्वेश्चन आपको पूछा है पत्थर धातु, और दोस्तों के बात कर रहे हो, वापस आगे दोस्तों क्वेश्चन। अब दोस्तों, अब तो लगता है कि कान को खोलना ही पड़ेगा, बिल्कुल दोस्तों कान खोलिएगा दोस्तों अच्छे से। पत्थर धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं, खालिस्तान होते हैं, क्या होते हैं? पांडुलिपि, ताम्रपत्र, अभिलेख, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों अभिलेख इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल अभिलेख। और अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेख शास्त्र कहते हैं, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर तो आगे दे रखा है दोस्तों, सातवां देखिएगा, प्राचीनतम अभिलेख खालिस्तान भाषा में लिखे गए। अब किस भाषा में लिखे गए प्राचीनतम अभिलेख? आपके सामने यहां पर पाली भाषा दे रखा है, आपके सामने और क्या दे रखा है दोस्तों? आपके सामने प्राकृत भाषा दे रखा है, आपके सामने संस्कृत भाषा दे रखा है, आपके सामने फारसी भाषा दे रखा है। क्या करोगे? प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो प्राचीनतम जो अभिलेख थे वो आपके प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। याद रखना दोस्तों, याद रखना आप सभी, क्या याद रखना है आपको? याद रखना, एक प्रश्न पूछा जाता है, गहपति, गहपति शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? गहपति शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? यह तो हम जानते हैं, छोटे किसानों, जमींदारों के लिए होता था। गहपति किस भाषा का शब्द है, ऐसे पूछा जाएगा, गहपति किस भाषा का शब्द है? तो पाली भाषा का शब्द है गहपति, याद रखना गहपति पाली भाषा का शब्द है, और प्राचीनतम जो अभिलेख है वो आपके प्राकृत भाषा में लिखे गए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आगे देखेगा, आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, आगे देखो आठवां, आरंभिक भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल क्यों कहा जाता है, क्यों माना जाता है? आरंभिक राज्यों और नगरों का उदय हुआ, लोहे का बढ़ता प्रयोग, सिक्कों का विकास हुआ, उपरोक्त सभी कारण हो सकते हैं। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं दोस्तों, सुन लेना अच्छे से दोस्तों, याद रखना, प्रश्न पूछा जाएगा 100% बड़े नंबर के अंदर, ठीक है, कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के काल को एक परिवर्तनकारी काल क्यों कहा जाता है, एक परिवर्तनकारी काल क्यों कहा जाता है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्रमुख तीनों कारण आपको याद कर लेना यहां पर दे
रखे हैं कि वे क्या हुआ था, आरंभिक जो छोटे छोटे प्रारंभिक जो राज्य थे, जो छोटे छोटे नगर थे, उनका क्या हुआ था, उदय हुआ था। पहला कारण आप ये लिख सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं लोहे का बढ़ता प्रयोग। और तीसरा लिख सकते हैं सिक्कों का क्या हुआ था, इसमें विकास हुआ था। ये तीनों प्रश्न आपको, तीनों पॉइंट जो वो याद रखने हैं। इसके अलावा बात करते हैं आगे, देखेगा अगला क्वेश्चन नवा, देखो मगध के शक्तिशाली होने के कारण बताओ। दोस्तों मगध शक्तिशाली क्यों होगी, मगध के शक्तिशाली होने के प्रमुख कारण पूछे हैं अच्छी खेती की उपज, इसके अलावा लोहे की खदान या फिर हाथी की उपलब्धता, उपरोक्त सभी। अब दोस्तों आपको पता तो होगा, दोस्तों आपको पता तो होगा 16 महाजन पद है। दोस्तों कितने महाजन पद हैं, 16 महाजन पद हैं। याद रखना, भूलना मत दोस्तों, भूलना मत। आप सभी याद रखना है, क्या याद रखें, हमको याद रखना पड़ेगा दोस्तों 16 महाजन पद है। दोस्तों मैंने एक बार नहीं, मैंने कई बार बोले हैं दोस्तों, ये 16 महाजन पद तो किसी भी हालत में छोड़ो दोस्तों, इनको तुरंत याद करो। 16 महाजन पद है, 16 महाजन पद जिसमें सबसे शक्तिशाली, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। मगध के शक्तिशाली होने के कारण 16 महाजन पद थे जिसमें सबसे शक्तिशाली जनपद था, वो था मगध। ठीक है, बिहार के अंदर है ये। ये मगध शक्तिशाली क्यों था, इसके पीछे क्या रीजन है, तो ये प्रमुख कारण है अच्छी खेती का, अच्छी खेती की उपज, इसके अलावा लोहे की प्रमुख खदान मौजूद थी आसपास, हाथी की उपलब्धता, जल की उपलब्धता। ये आप प्रमुख तीन ये कारण जो आपके सामने नजर आ रहे हैं ये लिख सकते हैं, ये मगध के शक्तिशाली होने के प्रमुख कारण है। अब दोस्तों याद रखना 16 महाजनपद, हमें क्या प्रश्न पूछा जाता है, हमें प्रश्न पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहां से मिलती है। दोस्तों एक बौद्ध ग्रंथ है अगुत्र निकाय, एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अगुत्र निकाय, अगुत्र निकाय में हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और याद रखना दोस्तों वे 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, मैं बोलूं क्या दोस्तों, मैं बोलूं काशी कुरु अंग मगध वजी मल चेदी वत्स कौशल पांचाल मत्स्य सुरसन अस्तकवंती गांधार कंबोज, ये 16 महाजनपद है दोस्तों। काशी कुरु अंग मगध वजी मल चेदी वत्स कौशल अवंती के बाद में गांधार है गांधार के बाद में कंबोज है। तो ये देख लो प्यारे मित्रों कितने महाजनपद हुए, 16 महाजनपद हुए, 7वां 8वां 9वां इसके अलावा 10वां इसके अलावा 11वां इसके अलावा 12वां ये 13वां ये 14वां ये 15वां ये 16वां कितने महाजनपद हो गए, 16 महाजनपद हो गए। काशी की राजधानी बताओ, काशी की राजधानी वाराणसी। कुरु की बताओ इंद्रप्रस्थ। अंग की बताओ चंपा। मगध की बताओ राजगृह। मगध की प्रारंभिक राजधानी का नाम बताओ राजगृह। मगध की वर्तमान राजधानी का नाम बताओ पाटलिपुत्र, याद रखना। इसके अलावा वज्जी की विदेह और मिथिला। मल की बताओ, मल की राजधानी क्या है कुशावती कुशीनारा। इसके अलावा चेदी की बताओ, चेदी की राजधानी शक्तिमती सोतिवती। वत्स की बताओ, वत्स की है दोस्तों कौसाम्बी। वत्स की राजधानी क्या है कौसाम्बी। कौशल की बताओ, कौशल की है अयोध्या। अयोध्या बुद्धकाल में दो भाग हुए, उत्तरी भाग की राजधानी साकेत, दक्षिणी भाग की राजधानी शावशती। आपको शॉर्ट तरीके से याद रखना है कौशल की राजधानी है अयोध्या। इसके अलावा पांचाल की राजधानी बताओ, उत्तरी पांचाल की राजधानी कौपिल्य है, दक्षिणी पांचाल की राजधानी महिष्मती है। ठीक है, इसके अलावा मत्स्य की राजधानी बताओ, मत्स्य की विराटनगर मत्स्य की राजधानी है। सुरसेन की बताओ, सुरसेन की दोस्तों मथुरा, मथुरा याद रखना। अस्त्र की राजधानी बताओ, अस्त्र की पोतन या पाटली है। अवंती की राजधानी बताओ, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी है, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती है। इसके अलावा गांधार की राजधानी बताओ, गांधार की राजधानी
तक्षशिला है, तक्षशिला गांधार की राजधानी है। इसके अलावा कंबोज की राजधानी बताओ, कंबोज की राजधानी राजपुर या हटक। अरे दोस्तों जब मैं याद कर सकता हूं तो आप तो याद नहीं कर सकते दोस्तों, झुकेगा नहीं साला, अच्छे से याद करेगा। आप सभी को याद रखना है, काशी कुरु अंग मगधवति मल्ल चेदी वत्स कौशल पांचाल मत्स सुरसेन अष्टकवंती गांधार कंबोज, ये 16 महाजनपद है दोस्तों, आप सभी को याद रखना है। साला एग्जामिनर भी देखेगा, पुष्पा राज झुकने नहीं दिया रहे। आरंभिक में मगध की राजधानी थी। आरंभ में क्या पूछा है, आरंभ में प्रारंभ में मगध की राजधानी थी। अब दोस्तों आपको मैंने बता दिया था, अब आप खुद बताओ जल्दी से, पाटलिपुत्र राजगा आरा या इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको बताया था दोस्तों मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह। क्या थी दोस्तों, यहां पर लिख रखा है राजगृह। राजगृह जो है मगध की प्रारंभिक राजधानी थी, या फिर अगर आपको लिखा मिलता है गिरिवर्ज तो गिरिवर्ज आपको करना है। राजगृह या गिरिवर्ज मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। लेकिन लेकिन क्या है, लेकिन तो कुछ नहीं है साला। मगध की वर्तमान राजधानी पूछे, मगध की वर्तमान राजधानी है पाटलिपुत्र, आप सभी को याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ स्क्रीन पर आगे दे रखा है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना खालिस्तान ने की थी दोस्तों। अब बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, आप सभी मैंने करवा दिए दोस्तों ये क्वेश्चन, बता दो आप सभी मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अशोक कर रखा, चंद्रगुप्त कर रखा, कौटिल्य कर रखा, इनमें से कोई नहीं। सबको पता है मौर्य साम्राज्य की स्थापना तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही की थी दोस्तों। लेकिन शक्तिशाली शासक पूछता तो फिर हम क्या करते, अशोक करते। ओके, कलिंग का संबंध किस राज्य से है, आपको पता तो होगा दोस्तों। कलिंग का युद्ध 261 में होता है, 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध, याद रखना। अशोक के समय अशोक ने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी थी दोस्तों। अशोक ने दम घोष अपना ली थी भैरी घोष के स्थान पर। क्यों, क्योंकि दोस्तों कलिंग के युद्ध में 100,000 से भी अधिक लोग मारे गए, ठीक है। व्यापक नरसंहार से अशोक विचलित हो गया था दोस्तों। अशोक ने क्या, अरे भगवान, अरे मैंने ये क्या कर दिया, इतने लोगों को मैंने मार दिया दोस्तों। अशोक ने जो है दम भैरी घोष के स्थान पर दम घोष अपना ली, और अशोक ने कहा कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, बुजुर्गों की सेवा करूंगा, अब ऐसा काम मैं नहीं करूंगा। तो दोस्तों ये याद रखना है, कलिंग का जो संबंध है आपके, कलिंग का जो संबंध है आपके वो किससे है प्यारे मित्रों, कलिंग का जो संबंध है वो आपके हैं उड़ीसा से, उड़ीसा से, याद रखना। इसका सी जो है यहां पर राइट हो जाएगा। अशोक ने कहा कि मैं तो बुजुर्गों की सेवा करूंगा, कभी भी पाप नहीं करूंगा, जिंदगी भर में सेवा का कार्य करूंगा, ठीक है। याद रखे, अर्थशास्त्र की रचना किसने की, अशोक ने, मेघसनिज ने, कौटिल्य ने, याद रखो दोस्तों अर्थशास्त्र। अरे दोस्तों अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी प्यारे मित्रों, माइक तुम्हारा माथा पर बैठ जा जल्दी से, याद रखे दोस्तों अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, याद रखे अर्थशास्त्र की रचना तो कौटिल्य ने की थी, कौटिल्य ने। इस कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है, इस कौटिल्य का दूसरा नाम है चाणक्य। इसी चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, इसी चाणक्य का दूसरा नाम है विष्णुगुप्त, याद रखना दोस्तों। ये एक ही नाम है साला, चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य, ये एक ही नाम है। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र दोस्तों, अर्थशास्त्र, ठीक है। और अशोक तो आप जानते ही दोस्तों, ये कौन था भाई, मौर्य वंश का सबसे महान शासक था। मेघसनिज आप सब जानते हैं, मेघसनिज इसकी पुस्तक का नाम बता दो मुझे, मेघसनिज की पुस्तक का नाम था इंडिका। मेघसनिज की पुस्तक का नाम क्या था प्यारे मित्रों, मेघसनिज की पुस्तक का नाम इंडिका था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये तो हो ही गया, अब क्या हो, अब आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आगे देखिएगा, चौथा आगे क्वेश्चन है, चौदहवां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, अच्छे से पढ़ना दोस्तों। महामात्र, महामात्र अधिकारियों का क्या कार्य होता था, अधिकारी है दोस्तों प्रमुख सम्राट, अधिकारी महामात्र, इसके प्रमुख कार्य क्या होते थे बताओ, राजस्व एकत्रित करना, या फिर आपके सामने सेना के गुप्तचरी करना, या धर्म का प्रचार करना, या इनमें से कोई नहीं। अब देखो अशोक के दरबार में जो प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे जिसे हम कहते हैं महामात्र, ठीक है, याद रखना इनकी नियुक्ति जो है वो अशोक ने की थी। अब जो है धर्म महामात्र, इन अधिकारियों का प्रमुख जो कार्य था वो था धर्म का प्रचार प्रसार करना, धर्म का क्या करना, प्रचार प्रसार करना दोस्तों। इसका सी यहां पर राइट हो जाएगा बिल्कुल दोस्तों। इसके अलावा 15वां क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अब मैं थोड़ा श्वास ले लेता हूं दोस्तों अच्छे से, देखिएगा माइक थोड़ी इधर आ जाए यार, थोड़ी परेशान करे मैंने। हाँ तो दोस्तों मुझे बताओ आप सभी कमेंट बॉक्स में फटाफट, ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाला भूभाग क्या कहलाता था, राजकीय भूभाग कहलाता था, अग्रहार कहलाता था, कृषि उपज, या इनमें से कोई नहीं। बताओ जल्दी से, याद रखना भूलना मत दोस्तों। क्या कहा जाता था, अग्रहार,
याद रखना अग्रहार अग्रहार, ठीक है। प्रश्न पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है अग्रहार से आप क्या समझते हैं, अग्रहार इससे आप क्या समझते हैं अग्रहार। तो याद रखना ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाला जो भूभाग होता है, जो भूमि होती है, वो कहलाती है अग्रहार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भूलना मत इस क्वेश्चन को। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है अग्रहार किसे कहते हैं, अग्रहार, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 16वां क्वेश्चन की पूछ है कि कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे खालिस्तान की उपाधि धारण की थी। अब किसकी उपाधि धारण की थी, यही तो पूछा है, सम्राट की, देवपुत्र की, या फिर देवतुल्य की, या देवपुत्र की, या इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों हमारे सामने आयो है कुषाण शासक, याद रखना दोस्तों कुषाण शासक ये वही शासक है, दोस्तों ये कुषाण वही शासक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा देवपुत्र की। जो कुषाण शासक है, जो कुषाण शासक, याद रखना भूलना मत दोस्तों, ये कुषाण शासक जो है अपने नाम के आगे जो है किसकी उपाधि लगाया करते थे, देवपुत्र की उपाधि लगाया करते थे। किसकी उपाधि, देवपुत्र की उपाधि लगाया करते थे। ये वही कुषाण शासक है दोस्तों, जैसे अगर आपको पूछा जाए इसका सबसे शक्तिशाली शासक कौन है, शक्तिशाली शासक कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है, मान शासक कौन है, तो वो है कनिष्क। याद रखना दोस्तों कनिष्क, ये वही कनिष्क है जो कुषाण वंश का सबसे मान शासक था। याद रखना दोस्तों कुषाण शासकों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। सोने के सिक्के सबसे पहले किन शासकों ने जारी किए थे, सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने जारी किए थे। और कुषाण शासकों में हम बात करते हैं तो एक शासक आता है भीमकड़पिसेस, ठीक है। मैं क्या करूं दोस्तों, नाम ऐसा ही है, भीमकड़पिसेस। इन्होंने जो है सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे, कनिष्क भी था दोस्तों, याद रखना। इसके अलावा बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, देखेगा 17वां क्वेश्चन, 17वें क्वेश्चन को पढ़ो दोस्तों। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त शासकों का इतिहास खालिस्तान की सहायता से लिखा गया, साहित्य की सहायता से लिखा गया, सिखों की सहायता से लिखा गया, अभिलेखों के साक्ष्य से लिखा गया, या उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल देखते ही पता चल गया होगा दोस्तों, उपरोक्त सभी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त शासक, गुप्त शासकों का इतिहास जो है, याद रखना, उपरोक्त सभी हो जाएगा, साहित्य, सिक्को, अभिलेखों की सहायता से लिखा गया था, ठीक है। और गुप्त शासकों में आपने नाम सुना होगा समुद्रगुप्त का, आपने गुप्त वंश पढ़ा होगा दोस्तों, गुप्त वंश में आपने नाम सुना होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है ये कविराज की उपाधि से प्रसिद्ध था, किसकी उपाधि से प्रसिद्ध था, कविराज की उपाधि से, याद रखना दोस्तों कविराज की उपाधि से ये प्रसिद्ध था कविराज, ठीक है। कविराज की उपाधि से कौन प्रसिद्ध था, ये समुद्रगुप्त, और ये वीणा बजाते हुए दिखाए गए थे, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 18वां, देखिएगा 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रयाग प्रशस्ति। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ो यार, की बातें कर रहे हो, प्रयाग प्रशस्ति याद रखे दोस्तों। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी बताओ, नागराजुन दे रखा है, पाणिनि दे रखा है, अश्वघोष दे रखा है, हरिशरण दे रखा है, मुझे बताओ आप सभी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जल्दी से बताओ। आपको पता तो होगा दोस्तों, आपको पता तो होगा, एक बार सभी क्लास को शेयर कर देंगे दोस्तों, हम बिना टाइम गवाए सभी क्वेश्चन फटाफट तरीके से करवा रहे दोस्तों, धुआंधार तरीके से। धुआं कैसे उड़ता है दोस्तों, उसी तरीके से हम भी उड़ रहे हैं। देखिएगा प्रयाग प्रशस्ति की रचना दोस्तों किसने की थी, तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी हरिशयन ने। किसने की थी, हरिशयन ने। और हरिशयन कौन था, प्रश्न पूछा जाएगा हरिशयन कौन था, तो याद रखना हरिशयन जो है समुद्रगुप्त का, किसका, समुद्रगुप्त का। अभी मैंने बात की थी समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, याद रखेंगे समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, दरबारी कवि, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिशयन, ठीक है। ये हरिशयन जो है वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस भाषा में हुई थी, प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। किस भाषा में हुई थी, संस्कृत भाषा में हुई थी। वही प्रयाग प्रशस्ति जिसे हम इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से भी जानते हैं, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति को और किस नाम से जानते हैं, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से भी इसे जाना जाता है दोस्तों, याद रखना आप सभी, ठीक है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से भी प्रयाग प्रशस्ति को रचना जाना जाता है, और इसकी रचना हरिशयन ने की थी, और हरिशयन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, आगे क्वेश्चन दे रखा है, आगे देखो दोस्तों। पाली भाषा में, ये क्वेश्चन भी मैंने अभी भी करवाया था, पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, छोटे किसानों के लिए, जमींदारों के लिए, ए वे बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों हाँ बिल्कुल ए वे बी दोनों यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमने कहा क्या, हमने क्या कहा, पाली भाषा। अब देखो दोस्तों
पाली भाषा में जो है गृहपति शब्द, याद रखना पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता था, छोटे किसानों के लिए भी किया जाता था, जमींदारों के लिए भी किया जाता था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। पाली भाषा में किया गया था गृहपति शब्द का प्रयोग, यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है दोस्तों, याद रखना। इसके अलावा 20वां क्वेश्चन देखो दोस्तों, 22वां क्वेश्चन के कह रहे हैं हरचरित, हरचरित किस भाषा में लिखी गई, यूनानी, प्राकृत, संस्कृत, पाली, बताओ बताओ जल्दी से बताओ, आप सभी बताओ फटाफट जल्दी बताएगा दोस्तों, हरचरित किस भाषा में लिखा गया था, फटाफट आप सभी करिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा जल्दी से, हरचरित किस भाषा में लिखा गया था, पता चल गया होगा दोस्तों, पता चल गया होगा आप सभी को, हरचरित किस भाषा में लिखा गया था, हरचरित आपके संस्कृत भाषा में लिखा गया था, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, फिर ध्यान खोना कान खोना दोस्तों अच्छे से, हरचरित हरचरित के लेखक कौन है, हरचरित के लेखक कौन है, बाण भट्ट, ठीक है। प्रश्न पूछा जाए हरचरित के लेखक कौन है, बाण भट्ट, और हरचरित के लेखक बाण भट्ट है कौन सी भाषा में लिखा गया हरचरित, याद रखना दोस्तों संस्कृत भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 21वां क्वेश्चन, हाँ हम मिनट मिनट में बदलते हैं बिल्कुल, हरचरित किसकी जीवनी है, विक्रमादित्य की, हर्षवर्धन की, समुद्रगुप्त की, या इनमें से कोई नहीं, हरचरित किसकी जीवनी है मुझे बताओ जल्दी से, तो ये अपने हर्षवर्धन की जीवनी है, इसका बी यहां पर राइट हो जाएगा, बिल्कुल बी हो जाएगा दोस्तों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आगे दे रखा है, देखिएगा दोस्तों प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, प्रभावती गुप्त जो है वो किसकी पुत्री थी बताओ, ये वाकटक राजा रुद्रसेन आपको पता होगा उसकी पत्नी थी ये, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, इनमें से कोई नहीं, तो प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, ठीक है, याद रखना आप सभी, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो है पुत्री थी प्रभावती। नेक्स्ट आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे श्रेणी कहा जाता है, श्रेणी किसे श्रेणी कहा जाता है, जमींदारों के संघ को, किसानों के संघ को, व्यापारियों के संघ को, या अधिकारियों के संघ को, मुझे बताओ आप सभी जल्दी से बताइएगा दोस्तों, जल्दी से बताइएगा आप सभी, किसे श्रेणी कहा गया, श्रेणी किसे कहा गया, श्रेणी चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, श्रेणी किसे कहा गया भाई लो, व्यापारियों के संघ को, बिल्कुल व्यापारियों के संघ को जो है श्रेणी कहा गया था, यह प्रश्न भी आप याद रखना दोस्तों, अरे दोस्तों भूल मत जाना, ठीक है इसको भूल मत जाना आप सभी। नेक्स्ट देखिएगा 24वां, कनिष्क खालिस्तान शासक था, कुषाण, शक, चोल, इनमें से कोई नहीं, अरे दोस्तों कनिष्क पूछे, कनिष्क कुषाण वंश को शासक किया दोस्तों, कनिष्क कौन था, कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, आपको याद रखना है कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, ठीक है भूलना मत, ये वही कुषाण शासक जिन्होंने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे, सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने जारी किए थे, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने 25वां देखेगा, 25वां क्वेश्चन क्या है, अभिलेख की साक्षी सिब्बा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मुझे बताओ जल्दी से आप सभी, जल्दी से बताइएगा आप सभी, धुंधले अभिलेख टूट जाना, या फिर आपके सामने उपरोक्त सभी दे रखा है, जल्दी से आंसर बताइएगा आप सभी, बिल्कुल पता चल गया होगा दोस्तों आप सभी को, क्या हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी यहां पर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, अरे दोस्तों चाल इनकी कर रही है, उपरोक्त सभी यहां पर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, देखो अभिलेख की साक्ष्य सीमा यानी अभिलेखों की प्रमुख कमियां लिखिएगा, साक्ष्य सीमा मतलब प्रमुख कमियां कौन कौन सी रहेगी, सीमा मतलब कमियां, ठीक है। अभिलेख साक्ष्य यानी अभिलेखों की प्रमुख क्या क्या कमियां है वो लिखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है, धुंधले अक्षरों की वजह से अभिलेखों को नहीं पढ़ा जा सकता है, ये प्रमुख कमी है। इसके अलावा अभिलेखों का टूट जाना, ये अभिलेखों का टूट जाना, ठीक है, और नष्ट हो जाना, इन वजह से जो है वो अभिलेखों की ये प्रमुख कमियां हैं, इसीलिए जो है हमें कई के साक्ष्य जो मिलते हैं वो हमें ये नहीं पता चलता कि ये कितने साल पुराने हैं कितने साल नहीं है, ठीक है। तो ये प्रमुख अभिलेखों की क्या है, कमियां हैं, अगर पूछा जाए कि अभिलेख साक्ष्य की सीमा लिखिएगा, तो ये तीनों पॉइंट आपको लिखना है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट 26वां देखो, मौर्य साम्राज्य का अंत कब हुआ, मौर्य साम्राज्य बताओ दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का अंत कब हुआ, आपको पता होगा 322 से 185 ईसा पूर्व, ये जो है मौर्य वंश का क्या है, एक तरीके से टाइम पीरियड है, ठीक है। अंत कब हुआ यही पूछा है, 185 ईसा पूर्व इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने दे रखा 27वां देखिएगा, जातक कथा जातक कथा किस भाषा में संबंधित है, जातक कथा जो है वो किस भाषा से संबंधित है, अरे दोस्तों किससे संबंधित है ये पूछा आपको, महात्मा बुद्ध से, महावीर से, गुरु नानक से, इनमें से कोई नहीं, फटाफट फटाफट दीजिएगा दोस्तों, जातक कथा किससे संबंधित है,
तो ये आपके महात्मा बुद्ध से संबंधित है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जातक कथा। इसमें एक कुटिल राजा का वर्णन किया गया था, कुटिल राजा का वर्णन किया गया था। एक कुटिल राजा था, वो देखना चाह रहा था कि जनता हमारे मेरे बारे में क्या सोचती है। तो एक साधारण सा धोती पहनकर, ठीक है, जनता के बीच आम लोगों के पास जाता है और देखना चाहता है कि राजा के बारे में जनता क्या सोचती है। तो फिर अब राजा जो है अपना वेश बदलकर जब आम लोगों के पास, ठीक है, साधारण वेशभूषा में जाता है, तो जनता जो थी वो राजा की यानी एक तरीके से आलोचना करती। तो यही है दोस्तों, इसी में यही बताया गया है गद तिंदु जातक कथा। याद रखना है गद तिंदु जातक कथा। गद तिंदु जातक कथा में किसका वर्णन किया गया है, तो गद तिंदु जातक कथा में एक कुटिल राजा का वर्णन किया गया है दोस्तों, ठीक है। इसमें कुटिल राजा अपना जो है वेश बदलकर आम लोगों की जनता के पास जाता और देखता कि जनता हमारे बारे में क्या सोचती है। फिर पता चलता है जो राजा की आलोचना करती सभी जनता, ठीक है, विरोध करती, कहने का मतलब है। नेक्स्ट आगे देखेगा, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी, मैंने करवा दिया यार के बार बार पूछे हैं, कुशाण शासक इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है, देखेगा 19वां क्वेश्चन, एक ऐसा भूखंड जहां कोई जन्म बस जाता है देखिएगा, एक ऐसा भूखंड जहां कोई जन बस जाता है क्या कहलाता है, जनपद कहलाता है, जाहिर सी बात है आपको पता होगा। सबसे पहले पहले क्या थे, छोटे छोटे कबीले थे, क्या थे, छोटे कबीले, छोटे कबीले थे। छोटे कबीलों से क्या बना, कबीले से जनपद बना, क्या बना था, कबीले से जनपद बना था, और जनपद से क्या बना था, महाजनपद बना, ठीक है, महाजनपद। तो याद रखना है महाजनपद किसे कहते हैं, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में अनेक शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई जिन्हें महाजनपद कहा गया, ठीक है। और एक एक ऐसा भूखंड जहां कोई जन बस जाते हैं, लोगों का समूह बस जाता है, वो जनपद कहलाता है। पहले जनपद छोटे छोटे कबीलों के रूप में था जनपद, ठीक है, और कबीले से ही जनपद बने, जनपद से ही महाजनपद बने, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा 30वां क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है दोस्तों, 30वां क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हो, लास्ट क्वेश्चन है अपना, देखिएगा दम की शुरुआत किसने की थी। हाँ 2019 में पूछा, 2021 में भी पूछा ये क्वेश्चन, हाँ बताओ आप सभी। चंद्रगुप्त मौर्य दे रखा है, अरे भाई अरे के कर्ण लाग रहे हो यार, तो यार की कर रहे हैं, आगे निकलो दोस्तों, इसको आगे निकलो, क्यों, क्योंकि एक ऑप्शन पीछे रह गया नहीं दोस्तों, आपको आप भूल क्या गए दोस्तों, धम की शुरुआत किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक, कनिष्क। तो बिल्कुल आपको पता चल गया होगा, कनिष्क अशोक इज द राइट आंसर दोस्तों, अशोक ने की थी धम की शुरुआत, ठीक है, अशोक ने ही धम की शुरुआत की थी। आपको पता होगा अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर एक घोष अपना ली, उस घोष का नाम है धम घोष, और इसके अनुसार जो है अशोक बड़ो बड़ों की आज्ञा, ठीक है, बड़ों की आज्ञा मानता, उसका यानी कि जो बुजुर्ग थे उनकी सेवा करता, ठीक है, ये प्रमुख अशोक के धम की शर्तें थी, पशुओं की सेवा करना, जानवरों को पालना, ये प्रमुख। तो याद रखना दोस्तों अशोक ने जो है वो धम घोष अपना ली थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 30वें क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन में आपके लिए पूछता हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने पहले से ही लिख रखा है दोस्तों, क्यों, क्योंकि मैं चाह रहा हूं दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट है और ये पूछा जा सकता है आपके। पहले क्वेश्चन को पढ़ो आप सभी, क्या है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है, कई बार पूछा गया, आप देख सकते हैं हिटलर दे रखा है, नेपोलियन दे रखा है, बिस्मार्क दे रखा है, और मुसोलिन दे रखा है। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और ये हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए इस चैप्टर के, आपके कितने राइट होते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। और आप अगर आप नोट्स आपको सीरीज चाहिए तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं दोस्तों, ठीक है, जिनको चाहिए तो मैसेज कर देना 8955661301, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, नोट्स या सीरीज चाहिए तो इन नंबर पर मैसेज कर देना, ओके। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन हुए, कितने राइट होते हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, और आपके लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूं, आप सभी लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ओके। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, शाम को जरूर जुड़ना दोस्तों, 7 बजे जरूर जुड़ना है शाम को, अपनी पॉलिटिकल की क्लास चलती है, ओके 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 ओके।